हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम करने वाले हैं वो है ये एग्जांपल। इस एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी हैज ए फैक्टर ऑफ द फॉर्म दिस, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका एक फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, देन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये हमें प्रूव करना है। तो क्योंकि ये जो है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। तो हमने यहां पर लिख लिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस वन से। साफ पता चल रहा है कि ये ए एक्स पे जाएगा, ए एक्स पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स क्यूब आ गया, यहां क्या आएगा प्लस ए लैम्डा एक्स स्क्वायर आ गया। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये जो है ये टर्म आ जाएगी माइनस ए लैम्डा एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बी माइनस ए एक्स, और सी हम फिर उठा लेंगे। माइनस ए लैम्डा पे जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस ए लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस ए लैम्डा स्क्वायर एक्स और माइनस ए लैम्डा, साइन चेंज हो जाएंगे डिवाइड कर रहे हैं तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा बी माइनस ए माइनस ये सॉरी ये प्लस का है ए लैम्डा स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या आ जाएगा प्लस सी माइनस ए लैम्डा, ये हमारे पास आ गया। मगर क्योंकि ये जो है इसका फैक्टर है तो जो रिमाइंडर है वो जीरो होगा, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये हमारा है इक्वल टू जीरो। जीरो को हम लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं जीरो एक्स प्लस जीरो, और कंपेयर कर देते हैं इन दोनों को क्योंकि ये जीरो है। कंपेयर करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बी माइनस ए प्लस ए लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमने एक्स की कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, इसी तरह कॉन्स्टेंट टर्म को हम कंपेयर कर लेते हैं तो क्या आ गया सी माइनस ए लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई लैम्डा में, दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करने चाह रहे हैं, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी को इधर ले जाओ माइनस सी माइनस से माइनस कर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा सी बाय ए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सी बाय ए, और लैम्डा की वैल्यू हम यहां यूज कर लेते हैं। यहां यूज करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं इधर से रब कर देता हूं, तो ये क्या आ गया बी माइनस ए प्लस ए लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं सी बाय ए होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ जाएगा बी माइनस ए प्लस ए इंटू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक ए से ए कैंसल इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो ए के साथ, तो ये क्या आ जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया, अगर मैं देखूं तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, यही हमें प्रूव करना था। अगर मैं गौर करूं तो ये क्या है एक्चुअली में, ये है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको इधर ले आए ए स्क्वायर प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया इज इक्वल टू ए बी, और यही हमें प्रूव करना था विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव हेंस प्रूव। तो यही हमें प्रूव करना था हेंस प्रूव। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे।